बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर स्टडीइंग ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन और देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो वी हैव टू प्लॉट और दिस कास्ट द फोर मार्क्स। When we plot a graph between pressure along x-axis and volume of given amount of gas along y-axis, हम x-axis के along pressure ले लेते हैं और ये x-axis है और y-axis के along हम volume ले लेते हैं, तो हमारे पास एक कर्व आ जाती है जैसे ये कमान की तरह। चूँकि temperature constant है तो इस कर्व को हम बोलते हैं isotherm। तो ये आपने लिख भी देना है कि when we plot a graph between pressure along x-axis and वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, एक खास मकदार है आपके पास गैस की, अमाउंट ऑफ गैस अलॉन्ग वाई एक्सिस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, देन कर्व इज ऑब्टेंड, दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। ये कर्व आइसोथर्म कहलाती है। अगर आप टेम्परेचर जैसे यहाँ पे जीरो डिग्री सेंटीग्रेड आपने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखा है, अब नेक्स्ट आप किसी और एक्सपेरिमेंट में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कर देते हैं, टेम्परेचर थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट्स कॉन्स्टेंट रहेगा जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, जिस तरह हमने पहले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में पढ़ा था कि आपने तीनों चारों सिलेंडर्स के अंदर टेम्परेचर जो है वो 25 कर दिया था। तो एट हायर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म दोनों एक्सिस से दूर चली जाएगी, ये देखें प्रेशर एक्सिस से भी और वॉल्यूम से भी। इसकी रीज़न ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है हायर टेम्परेचर पर। At higher constant temperature, isotherm goes away from both the axes. क्यों? Because volume is increased. ये एक टाइप आ गई ग्राफ की। अब दूसरी टाइप पे आ जाएं। When we plot a graph between inverse of volume, यानी 1/v, inverse of volume. जब inverse लेंगे होता यह है कि हम x एक्सिस के अलांग वो वैल्यू लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, y एक्सिस के अलांग वो लेते हैं जो डिपेंडेंट होती है। जब आप इनवर्स ले लेते हैं तो फिर एक्सिस चेंज हो जाएंगे। तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम 1/v अलांग x एक्सिस एंड प्रेशर अलांग y एक्सिस, देन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेंड, इट शोज प्रेशर। जब भी दो चीज़ों में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आपने लिया x एक्सिस के अलांग, आपने प्रेशर को लिया y एक्सिस के अलांग, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जब भी दो चीज़ें जैसे एक ए है और एक बी है, इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ए और बी में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और इनमें स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इसका ये मतलब होता है कि ये ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो यही मतलब है यहाँ पर। तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड प्रेशर अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो देन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेंड, इट शोज प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। एट हायर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आप कोई टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, आप टेम्परेचर T1 की जगह T2 कर देते हैं, जैसे ये T1 है यहाँ पे T2 कर दिया, T2 ज़्यादा है T1 से, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सिस के ज़्यादा करीब हो जाएगी। एट हायर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T2 स्ट्रेट लाइन बिकम्स क्लोज टू प्रेशर एक्सिस, क्यों? बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये हमने दो तरह से प्लॉट किया है, तीन ग्राफ हमने बनाए हैं। तीसरी टाइप आ गई कि अगर आप प्रेशर एक्सिस के अलांग एक्स एक्सिस के अलांग प्रेशर ले लेते हैं, वाई एक्सिस के अलांग प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लेते हैं, PV ले लेते हैं, अब आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। इसका ये मतलब है कि पी और वी का प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। तो यही बॉयल्स लॉ है कि आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इस तरह से कम हो जाता है, जैसे आपके पास है 2 × 3, आंसर आ गया 6। अगर 3 की जगह आप 2 की जगह 3 कर दें तो ये लाजमी दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, तब आंसर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, उसका आंसर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही रीज़न है यहाँ पे, प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम हो जाता है। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम एंड PV प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अलॉन्ग वाई एक्सिस, देन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, पैरेलल होता है बिल्कुल मुतवाजी होना किसी चीज़ के पैरेलल, जैसे ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल कहते हैं मुतवाजी को कि दो लाइनों को आप बढ़ाते हैं वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस इज ऑब्टेंड, इट शोज प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट।
when pressure is increased, then volume is decreased in such a way that PV remains constant. This type of graph is used to explain non-ideal behavior of gases. अगर तो स्ट्रेट लाइन आ जाए तो ये गैस आइडियल है, अगर स्ट्रेट लाइन ना आए किसी भी पॉइंट पे ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे ये गैस क्या है, नॉन आइडियल है, ये गैस आइडियल नहीं। आइडियल गैसेस वो होती हैं जो गैस लाज को ओबे करती हैं, नॉन आइडियल गैसेस गैस लाज को ओबे नहीं करती। जब आप प्रेशर बढ़ाएं और वॉल्यूम कम ना हो तो प्रोडक्ट ज़ाहिर सीधी सी बात है बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो गैस आइडियल नहीं रहेगी। तो ये नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को भी एक्सप्लेन करने के लिए इस ग्राफ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज़ यूज टू एक्सप्लेन नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। आगे है दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। पहले तो हम इसे डेफिनेशन पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ क्या है कि जब आप टम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इट स्टेट्स वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली होता है कि एक चीज़ बढ़े और दूसरी भी उतनी ही बढ़ जाए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराह रास्त मुतनासिब है। इट स्टेट्स वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट कहते हैं जो केल्विन के अंदर टेम्परेचर लिया हो, केल्विन टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो केल्विन में आप लेते हैं केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्योंकि गैस लॉज जो हैं वो सेंटीग्रेड में और फारेनहाइट में फॉलो नहीं करते, इसलिए हमेशा टेम्परेचर हम केल्विन में ही लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मैथमेटिकली अगर आपने इसको लिखना हो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कांस्टेंट, N और P, N नंबर ऑफ मोल्स है, अमाउंट ऑफ गैस है, और P प्रेशर है। अगर आप इसमें कांस्टेंट पुट कर दें तो यही प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में बदल जाएगी। V इज इक्वल टू K T आ गया, ब्रैकेट में लिख देंगे कांस्टेंट N और P। अगर T को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आएंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा V ओवर T इज इक्वल टू K, ब्रैकेट में लिख देंगे कांस्टेंट एन और पी, अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इसको आप इक्वेशन वन बोल दें, इसको आप इक्वेशन टू बोल दें। ये दोनों चार्ल्स लॉ ही की वो इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशन वो इक्वेशन वन आ गई, दिस इज़ वन और दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब इससे ये पता चला कि V1 ओवर T1, क्योंकि V ओवर T की जो रेशो है वो कांस्टेंट है, तो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट वन करते हैं तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K, V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। अगर ये दोनों K के बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर हैं, तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये चार्ल्स लॉ की तीसरी जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तीनों मुख्तलिफ इक्वेशन हैं चार्ल्स लॉ की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।